मजबूरी है, लालच पे दुनिया भर मरती है। 8,500 रुपए महीने बगैर कमाए मिलेंगे तो कौन नहीं जाएगा, इसी के लालच में भाजपा हार गई। भाजपा को तो इस बार हारना ही था, इसलिए कि जनता समझ चुकी थी या बीजेपी के अलावा चाहे जी खड़ा हो जाए। राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग करने वालों के खिलाफ अब सपा ने कार्रवाई की तैयारी कर ली है। उन्होंने अपने बागी विधायकों के खिलाफ पत्र लिखा है और उनको दल बदल कानून के तहत एकदम से उनकी सदस्यता निरस्त करने का प्रस्ताव आगे भेज दिया है। ऐसे में अगर अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में भी गौरीगंज विधानसभा से राकेश प्रताप सिंह थे जिन्होंने विपक्ष की मदद करी थी और उसको लेकर दल बदल कानून की कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी लगभग तय मानी जा रही है। ऐसे में हमारे साथ अमेठी की जनता है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि अगर अमेठी में गौरीगंज विधानसभा में उपचुनाव होता है तो क्या माहौल रहने वाला है। दादा क्या नाम है आपका? मदन। मदन, क्या लगता है क्या माहौल रहने वाला है इस बार चुनाव में, अगर उपचुनाव होता है तो? माहौल चुनाव होना जीत जाए ठीक है। कौन जीत जाए? ये तो भाजपा का सपोर्ट किए थे इस बार। ठीक, तो क्या लग रहा है कि जीतेंगे? जीतेंगे, जीतेंगे। क्या लग रहा है क्या माहौल रहने वाला है इस बार अगर उपचुनाव होता है तो? इसमें उपचुनाव में दोनों तरफ लग रहा है, पूरा दोनों तरफ रहने वाला है। क्या लग रहा है इसका असर पड़ेगा जो इन्होंने बगावत करी है? जी असर पड़ेगा, पड़ेगा सर जी। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार आपके? मुद्दे जी विकास, शिक्षा, पढ़ाई, क्या रहेगा? विकास तो अच्छा रहेगा, राकेश ने विकास अच्छा किया है। तो क्या लगता है इसका फायदा राकेश को मिलेगा? जी बिल्कुल मिलेगा, लेकिन लोग कह रहे हैं इन्हें जो बगावत करी उसका असर भी दिखेगा। देखिए जनता है, जनता हर तरह से संतुष्ट नहीं रहती है, लेकिन जो मेरा मानना है वो विकास अच्छा करेगा। हमारे साथ और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है आपका? अंबिका चौहान। चौहान जी आप वोटर हैं अमेठी में, गौरीगंज विधानसभा में बगावत कर दी थी राकेश विधायक ने। अच्छा, तो क्या लग रहा है अगर उपचुनाव होता है क्या माहौल रहेगा? माहौल तो ठीक ही रहेगा। किसके पक्ष में जाने वाला है फैसला? बीजेपी के पक्ष में जाने वाला है, बीजेपी के पक्ष में। तो क्या लगता है कि राकेश का बीजेपी का सपोर्ट करना पॉजिटिव रहा है? हाँ बिल्कुल रहा। अगर पॉजिटिव रहा तो लोकसभा कैसे हारे? अब इसमें लालच दी गई है, लालच दी गई है कि 1,00,000 रुपए सालाना मिलेगा और फिर उसके बाद में हर महीने 8,500 रुपए का लालच पाके सब विपक्षी लोग कांग्रेस की तरफ दब गए, सपा की तरफ दब गए, अखिलेश भैया की तरफ दब गए। क्या लग रहा है ये जो वादे थे इसका इस उपचुनाव में भी असर रहेगा? अगर ये लालच जैसे 8,500 रुपए महीने वाला लालच था, ये अब लालच पब्लिक भूल चुकी है। पहले जो है लालच दी गई थी, मगर अब ये पब्लिक भूल गई है कि मिलने वाला कुछ नहीं है। तो इस बार लग रहा है फिर से लोग भाजपा की तरफ रुख करेंगे आपके अनुसार? बिल्कुल, भाजपा ही जीतेगी। अगर ये लालच नहीं देते तो भाजपा ही जीतती है। आप भाजपा के कार्यकर्ता तो नहीं है? नहीं सर, मैं आम आदमी हूँ, यानी जैसे किसान लोग रहते हैं वैसे ही हूँ। तो ऐसे क्या रहा है भाजपा में जो भाजपा के आप इतना पक्षधर हैं? सर क्योंकि अब हम सब वोटर तो उन्हीं के थे, वोटर तो उन्हीं के थे ना, मगर अब क्या करें, मजबूरी है, लालच पे दुनिया भर मरती है। 8,500 रुपए महीने बगैर कमाए मिलेंगे तो कौन नहीं जाएगा, इसी के लालच में भाजपा हार गई। हमारे साथ वरिष्ठ वोटर भी हैं, इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। दादा क्या नाम है आपका? राजेश कुमार पांडे। पांडे जी क्या लग रहा है इस बार अगर उपचुनाव हुए अमेठी में तो राकेश प्रताप सिंह जीतेंगे या फिर कुछ कोई और जीतेगा? राकेश प्रताप सिंह जीतेंगे। हैं बीजेपी से क्यों चुनाव लड़ेंगे? अरे उन्होंने बगावत करी थी सपा, उनके खिलाफ दल बदल कानून ले आई है, जो अखिलेश यादव जी हैं उन्होंने दल बदल कानून लागू करवाया है कि अब इनकी सदस्यता खत्म की जाए। जोन कराए हुए बीजेपी की थी। अगर राकेश बीजेपी की बजाय बीजेपी को टिकट नहीं देती है तो राकेश को मतलब वोट बीजेपी को ही जाएगा? बीजेपी को जाना है। किन मुद्दों के साथ आप उनसे वोट करेंगे? हम सब तो भैया किसान है ना, यह पार्टी में है ना, पार्टी में फिलहाल बीजेपी जीते, इतना पढ़ा लिखा नहीं ना। पूछो आप भगवा ले रखे हैं तो इसका मतलब लग रहा है साधु है भैया। अच्छा हम लोग अनवर जी क्या लग रहा है कि अगर उपचुनाव होते हैं तो क्या माहौल रहने वाला है? जो है वही रहेगा, विधायक राकेश वापसी कर जाएंगे? नहीं नहीं, आप किस चुनाव की बात कर रहे हैं आप? जो उपचुनाव होने वाला है विधायक की वाला। अच्छा हाँ, तो आप देखिए अभी इस पे बहुत ज्यादा तो कुछ समझ में नहीं आया है, मगर अब चूंकि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी अगर इनको टिकट देते हैं तो ये
रिपीट कर लेंगे। इनके ऊपर तो कार्रवाई कर रहे हैं, कह रहे हैं इनको हम सदस्यता निरस्त कर रहे हैं सपा की। हाँ, तो फिर मुश्किल है, फिर मुश्किल हो जाएगा। राकेश ने विकास विकास किया था कि नहीं? नहीं किया तो था ही, ऐसा नहीं है। अगर विकास किया है तो जनता तो फिर चुनेगी, मगर अब जब इनके ऊपर कार्रवाई होगी तो उससे बड़ा फर्क असर पड़ेगा। इन्होंने इस बार भाजपा का सपोर्ट किया और भाजपा हार गई। भाजपा को तो इस बार हारना ही था, इसलिए कि जनता समझ चुकी थी है ना, बहुत दिन तक वो सब नहीं चलता है बेवकूफ बनाने वाला मामला। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कांग्रेस ने भी बेवकूफ बना दिया 8500 के चक्कर में। अरे 15 लाख वाला तो बोलिए, आप भी बोलिए 15 लाख, आप समझ तो आप बोलिए, हम तो सब बोल रहे हैं जो हमारे दिमाग में आ रहा है। उनके तो सरकार भी नहीं बनी है भैया, अगर सरकार बनती तो 8500 मिलता, सरकार बनी नहीं तो 8500 का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, उनकी सरकार बन गई थी तो 15 लाख आना चाहिए था, नहीं आया, यह आपको मालूम है। हमारे साथ और भी हैं दादा, ये कहा जाए तो एक राजनीतिक चर्चाएं यहाँ पर बहुत होती हैं भैया। बीजेपी के अलावा चाहे जी खड़ा हो जाए, हाँ वोट देंगे वही। अच्छा, मतलब बीजेपी को छोड़ के आप किसी को भी वोट देंगे? बीजेपी को देंगे, सिर्फ बीजेपी को देंगे, चाहे जो खड़ा हो बीजेपी से, चाहे जो। अच्छा, ऐसा क्या है बीजेपी में दादा? अरे बहुत खूबियां है, एक आध दो चीज बताओ। एक न समझ में आवत आखरा जाए, एक दो बताइए, लोग हमारे माध्यम से देखेंगे, श्रेष्ठ भारत के माध्यम से। कम से राशन मिलता है, 2000 रुपया किसानन के मिलता है, और कहा जाए अपन घर द्वार बेच के दे दिए तो लोग सब में के बड़ा असर ना दिखान। कुछ ना भैया, हमको बीजेपी के अलावा चाहे जी खड़ा हुआ। जीतेगी बीजेपी? जीता चाहे ना जीता। अच्छा, आपका मतदान बीजेपी? बस। तो आप भी हमारे साथ अमेठी की जनता, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर उपचुनाव होते हैं तो यहाँ का उपचुनाव भी बिल्कुल लोकसभा की जैसा ही होगा, और यहाँ पर जो भी उपचुनाव होगा इसमें किसी भी मतदाता ने अभी तक अपना पूरी तरीके से खुलकर सामने नहीं आया कि हम किसको मतदान करेंगे और किस मत पे मतदान करेंगे। लेकिन देखने वाली बात होगी, दिलचस्प बात होगी कि जो टक्कर की मुलाकात होगी और जो टक्कर का मतदान होगा वो कहीं ना कहीं बदलाव के साथ होगा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।